भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी होना चाहिए। जो पैकेज जारी हुआ उनकी कल्पना से बाहर था। 30 गुना ज्यादा पैकेज जारी होने के बाद आज कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के भी पूर्व प्रधानमंत्री ने उनका यह प्रसिद्ध कथन है कि जब वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो वो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते मात्र उसे 15 पैसा मिल पाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो पैसा दिल्ली से चले वो पूरा का पूरा लाभार्थी के अकाउंट में पूरा का पूरा पहुंचे। कांग्रेस आज इस विषय पर कुछ कहने के लिए निरुत्तर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मांगों को लेकर अपने कुंठा का प्रदर्शन कर रही है, मुझे लगता है कि वैश्विक महामारी के समय पर कांग्रेस का ये कदम दुर्भाग्यजनक है। जब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, उस समय राजनीति होना, पैकेज पर राजनीति करना, गरीबों पर हमेशा राजनीति की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस बार भी यही शुरुआत की। मैं कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए कहना चाहती हूँ कि ये दुर्भाग्यजनक है। वैश्विक महामारी के समय साथ में खड़े होंगे, राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए बहुत और भी जगह है, लेकिन इस वैश्विक महामारी के समय देश के प्रधानमंत्री के कदमों का हमें स्वागत करना चाहिए। हम सब जब मिलकर ताकत के साथ उन पर खड़े होंगे तो हम इस वैश्विक महामारी से निपट पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ईमानदार कोशिश की है और उस ईमानदार कोशिश में उन्होंने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, उन्होंने सबकी चिंता की है और सभी लोगों को पर्याप्त राशि मिले, पर्याप्त व्यवस्था मिले और पर्याप्त तौर पर वो फिर से अपने सामान्य जिंदगी में लौट पाए, इस बात की एक ईमानदार कोशिश देश की प्रधानमंत्री जी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत स्पष्टता के साथ कहती हूँ कि दिखावा बंद करें और अपने कुंठा का प्रदर्शन इस विषय तक ना करें।